अगर आप ध्यान करते हैं तो ब्रह्मचर्य की महिमा आपको पता होगी, या नहीं पता है तो जान लें, क्योंकि अगर आप अपने वीर या रज को नष्ट करते हैं तो आप ध्यान में बहुत अधिक आगे नहीं जा पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप ब्रह्मचर्य रखने में भी सहायक हो सके। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य रखें या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। अभी हाल की ही बात है, कुछ दिन पूर्व एक गांव के ताऊ जी मुझे मिले थे। मैं दिल्ली हरियाणा के विजिट पे था, लगभग 70-75 साल उनकी एज रही होगी। वहाँ पर हुक्का चलता है, वो पी रहे थे, तो हमने उनसे मैंने चर्चा की कि ताऊ जी कैसा जीवन है, कैसा चल रहा है, सब ठीक है। अनायास ही ना मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मैंने उनसे पूछा कि ताऊ जी अब आप तो उम्र है, अब तो आप 70-75 की एज हो गई होगी या 80 की एज हो गई होगी, आप अपनी इच्छाओं पे काम वासना पे कैसे कंट्रोल करते हैं। थोड़ी देर के लिए ताऊ जी थोड़ा गंभीर हो गए, उनको लगा कि ये क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने सत्यता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा जैसा बचपन में था, जवानी में था, वैसे ही बुढ़ापों में है। ये मन बूढ़ा नहीं हुआ है, ये शरीर बूढ़ा है। उनकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हुए, लेकिन सच्चाई सामने आई कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आप यंग हैं या टीनेज में हैं या मिडिल एज में हैं, जब बुढ़ापे में आप जाएंगे ध्यान करेंगे तो आपको काम वासना परेशान करना छोड़ देगी, तो ऐसा नहीं है, वो परेशान करेगी ही करेगी। इसके लिए मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। इन 3 उपायों को अगर आप करेंगे तो काम वासना से बहुत हद तक छुटकारा पा लेंगे। पहला, रात्रि को हल्का भोजन करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है वो रात में ही होती है। बारात में अगर आप बहुत गरिष्ठ भोजन करेंगे तो स्वप्न दोष होने के चांसेस होते हैं, या फिर आप कामुक विचारों के घेरों में भी आ सकते हैं। तो सात्विक भोजन करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इतना तो कर सकते हैं सभी विद्यार्थीगण या जितने भी साधक हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इतना कर लीजिए। दूसरा, मोबाइल फोन से ना थोड़ा दूर रहिए, और कभी गलती से अगर मोबाइल में या फोन कहीं आपको देखने को मिल जाए, पुस्तकों में सुनने को मिल जाए, तो आप उसी समय ना लंबी लंबी सांसें लीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक लंबी सांसें लेने में तो कोई हर्जाना नहीं है। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए और उस 5 मिनट तक उस भाव को त्याग दीजिए, क्योंकि देखिए जो हमारा मन होता है ना वो इसको पकड़ता है, और अगर आपने मन को अदर डायरेक्शन में लगा दिया या दूसरे डायरेक्शन में लगा दिया तो ये बहुत तेजी से काम करता है और आप इसमें तुरंत सक्सेस हो जाएंगे। ये बहुत अचूक प्रयोग है। और तीसरा, कामदेव को नष्ट करने वाले, कामदेव को वश में करने वाले भगवान शिव हैं या भगवान विष्णु हैं, डेली उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जितना इस संसार के लिए, गृहस्थ धर्म के लिए जरूरी है, इसके अलावा ये जो काम है ये मेरे ब्रह्मचर्य में बाधा डाल रहा है, इसे दूर कीजिए, मुझे कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में उस ये कल काम का युग है, जगह जगह आपको काम विभिन्न रूपों में दिखाई देगा, आपके मन को विचलित करेगा, तो अगर आप उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे ना तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे जितना ज़रूरी हो इस संसार व्यवहार के लिए, इसके अलावा आप मेरा काम संभाल लीजिए, मेरा मन को संभाल लीजिए। अपने शब्द चुनिए, जरूरी नहीं आप मेरे वर्ड लीजिए, और रोज प्रार्थना करिए। रात को सोने से पूर्व ये प्रार्थना आपको जरूर करनी है। केवल ये 3 उपायों को करिए, आपका ब्रह्मचर्य भी अच्छा होगा और जो दुनिया भर का कचरा आपके मन में भर गया है उसको भी आप निकाल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे WhatsApp के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेज़ी से आपके पास पहुँचें। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पर मैसेज कर दें, हमारी टीम आपको WhatsApp के ग्रुप में, WhatsApp के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुँचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिएगा, हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।